सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण के व्लॉग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए एक नया एपिसोड जिसका नाम है घर बैठे डांस सीखो विद तरुण एंड सनी। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो वाव स्टेप। एक हमारे जो सब्सक्राइबर है नितिन गोयल जी, उन्होंने हमें बताया कि एक ट्यूटोरियल बनाइए हैंड वेव का। सो चलिए आज हम एक ट्यूटोरियल उनके लिए भी लेकर आए। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक फर्स्ट स्टेप जो है, जो कि है लेग मूवमेंट का वाव फैक्टर। तो चलिए वाव स्टेप को देखते हैं। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं हम बताना चाहेंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड आपको ध्यान रखना है। तो राइट लेग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। सेकेंड लेग यानी कि हमको लेफ्ट लेग से करना है, 1 2 3 4। ओके, अब इन दोनों को हम लोग एक बार कॉम्बिनेशन में करते हैं, 1 2 3 4। होपफुली आपको राइट साइड आ गया होगा। आप चलिए लेफ्ट साइड पे भी सेम प्रोसेस करना है, हम लोग चेक करते हैं। लेफ्ट साइड लेफ्ट लेग, 1 2 3 4। सिमिलर राइट लेग से, 1 2 3 4। तो चलिए अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में एक बार करते हैं कि क्या स्टेप बनता है। लेकिन अब की बार आपको दो बार नहीं करना है, सिंगल टाइम ही करना है। दो बार सिर्फ समझाने के लिए था। इट्स राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओके, तो चलिए इसे फास्ट करके देखिए कि एग्जैक्टली जो स्टेप है वो है क्या। आप चाहे तो पॉकेट में हाथ रख के भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। हाथ रखा एंड स्टेप स्टार्ट करेंगे ऑन 5 6 7 को। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो होपफुली आपको स्टेप आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई वरी नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए तो ये स्टेप आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ओवर टू सनी। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसका नाम है हैंड वेव। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीधे खड़े होना है, ठीक है। अब आपको अपने दोनों हाथ स्ट्रेट करने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट अपने शोल्डर लेवल पे, ठीक है। अब करना क्या है आपको, आपके राइट साइड से आपको पहले आशीर्वाद देना है, ठीक है। फिर आपको अपने फिंगर टिप्स को अंदर लेना है, 1 1 2 एंड 3। हमको अपने एल्बो पे आना है, एल्बो पे आएंगे 4। जैसे हम एल्बो पे आएंगे तब हमको हमारा राइट हाथ को प्लेन कर देना है स्ट्रेट, ठीक है। अब हम कोशिश ये करेंगे हमारा पीछे ना जाए, वरना वो वेव नहीं दिखेगा। हमको क्या करना है, हमारा फोर्थ काउंट को हमको आगे करना है, आगे रखना है आगे की तरफ, ताकि हमारा वेव प्रॉपर दिखे और अच्छा दिखे। 4 ये हुआ, अब हमको करना है 5। अब हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे शोल्डर पे 5, और बाकी का जो हमारा हैंड रहेगा वो जाएगा स्ट्रेट। तो इसको हम रिलैक्स करके लेफ्ट साइड के शोल्डर के ऊपर करेंगे 6 किया हमने। इसके बाद हम जाएंगे एल्बो पे 7। इसमें भी सेम फॉर्मेट, आगे रखेंगे, ट्राई करेंगे आगे रखने का, ठीक है 7। अब हम जाएंगे हमारे एंकल पे 8 एंड 9 एंड 10 में हम छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। क्लियर हुआ, होपफुली आपको याद गया होगा, बट थोड़ा सा हम इसको स्पीड में करेंगे, काउंटिंग हमारी थोड़ी स्पीड में रहेगी। रेडी 5 6 7 गो। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो जब आप ये स्टेप सीख जाएंगे, आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, तब ये स्टेप कैसे दिखेगा आइए देखते हैं। तो चलिए होपफुली आपको ये दोनों वाव स्टेप्स आ गए होंगे, तो इन दोनों वाव स्टेप्स को आप इजीली सीख सकते हैं। अगर नहीं भी आया तो प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा सा, और अगर कोई डाउट हो आपके मन में, जैसे कि अभी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हैंड वेव के बारे में पूछा कि हम उनको सीखना है, वैसे ही अगर आपको भी कोई स्टेप सीखना हो तो आप भी कमेंट में प्लीज मेंशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी हमारे नीचे आ चुकी है, आप चाहे तो हमारे वहां पे भी डीएम करके आपको जो भी सवाल करना हो आप वो भी कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो को कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने के लिए, क्योंकि आपसे हम हर मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे शाम 7 बजे इसी तरह के वीडियोस को हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन दिस इज तरुण प्रोहित एंड सनी प्रोहित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।